टीवी स्टार हिमांशु मल्होत्रा ने भी हर बार की तरह इस बार अपने घर में गणपति महाराज की स्थापना की है। इस मौके पर उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स भी आए और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ गणेश पूजा की पूजा और आरती की। देखिए गणपति बाप्पा बंगाल मूर्ति 2011, 12, 13, 14, 15 तक हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति बिठाए थे। पिछले साल और इस साल हमने इको फ्रेंडली गणपति बिठाए और हम चाहते हैं कि और लोगों से भी अपील है हमारे कि इको फ्रेंडली गणपति बिठाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरह से गणपति जी की बहुत बुरी हालत हो जाती है जब आप विसर्जन के लिए जाते हैं। पैरों में आ रहे होते हैं, किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने अपने दोस्तों से भी कहा है, रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इको फ्रेंडली गणपति करो। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है शेयरिंग ग्रुप, हमने उसमें कॉन्टेस्ट में निकाला लोगों के लिए कि जितने ज़्यादा लोग इको फ्रेंडली रखेंगे उनको हम गिफ्ट हैम्पर्स भी देंगे। तो बेसिकली हर इंसान से यही ख्वाहिश है और यही मतलब हमारी गुजारिश है कि किसी भी तरह आप प्लीज़ इको फ्रेंडली गणपति रखें और उसको अच्छे से सजाएं, उसको अच्छे से डेकोरेट करें, उसका अच्छे से विसर्जन करें और फिर उस मिट्टी को आप प्लांट में कन्वर्ट करें या सीड्स में कन्वर्ट करें ताकि वो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो। और साथ में हमने उनको जनेऊ बनाया है हमारा यहाँ पर, अगर आप देखें, क्योंकि हमारे थोड़े ब्राह्मण वाला गणपति जी हैं और साथ में उनके वस्त्र बना रखे हमने कॉटन के, और यहाँ पे हमने उनका फेवरेट मोदक रखा हुआ है। गणपति बाप्पा गणपति कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव आदि। हर साल की तरह इस बार तैयारी जो है वो 7 गुना ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि 7वां साल है, और आई थिंक कभी सोचा नहीं था कि 7 साल निकल जाएंगे ऐसे, बट अब तो लगता है हर साल ही जो पापा को लाना पड़ेगा क्योंकि वो खुद आना चाहते हैं। तो जब कोई आना चाहता है इतने प्यार से तो आप रोक नहीं सकते हैं, और वो आते हैं। आई थिंक हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे घर आते हैं। मैंने शुरुआत की थी बहुत ही छोटे लेवल पर, एक छोटी मूर्ति लेकर आया था जब अकेले बॉम्बे रहता था। आज जो है आई थिंक पूरी फैमिली बन चुकी है, फैमिली है, फ्रेंड्स है। तो इनका पधारना ही अपने आप में एक उत्सव है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब ये पूरे के पूरा इनका जो वजूद है वो अपने आप में ही बड़ा चमत्कारी है। Hi, I'm Faisal Khan and you're watching IBC 24. Keep watching. Hi guys, this is Randeep Singh and you're watching IBC 24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching IBC 24. Hello, this is Sandeep Soparkar and you're watching IBC 24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching IBC 24.